भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भिवंडी शहर का दौरा किए। चंद्रशेखर जी पार्टी को संगठन और अधिक मजबूत करने एवं नए कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल करने के अभियान के तहत भिवंडी शहर में आए थे। भिवंडी शहर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष संतोष शेट्टी जी ने प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जी को पूरी व्यवस्था की है, जिनमें एक ही दिन में 23 कार्यक्रम आयोजित किए हैं। बाइक रैली, जिला संगठन बैठक, जिला कोर कमेटी बैठक, बूथ कमेटी बैठक, धन्यवाद मोदी जी कार्यक्रम व अनेक कार्यक्रम में बावनकुले शामिल हुए थे। उसी तरह 7:30 बजे पद्मनगर अखिल पद्मशाली समाज भिवंडी संस्कृति भवन में साउथ की जनताओं से मुलाकात किए है। अखिल पद्मशाली समाज भिवंडी के अध्यक्ष रामकृष्ण पुट्टपर्ती जी ने चंद्रशेखर बावनकुले जी को भव्य स्वागत किए हैं। इस अवसर पर के सागर हल्ले, राजू गाजंगी, कोंका मल्लेशम व आदि लोग उपस्थित थे। अखिल पद्मशाली समाज के अध्यक्ष रामकृष्ण पुट्टपर्ती जी ने पद्मशाली तेलुगु समाज के लोगों को भिवंडी शहर में हो रही समस्याओं के बारे में जानकारी दिए। उसी तरह प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जी बहुत ही अच्छी तरह से भाषण दिए हैं। इस अवसर पर विधायक महेश चौगले, अध्यक्ष संतोष शेट्टी, सुमित पाटिल व आदि मान्यवर पदाधिकारी सुबह से बावनकुले जी के साथ में थे। मार्कंडे महामुनि जी, पद्मशाली समाज की आज हम सबने मार्कंडे महामुनि का दर्शन लेकर समाज की चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और जब कोई समाज का सम्मेलन होता है और हम जब मार्केट में महामुनि जी के सहवास में बैठे हुए हैं, एक पवित्र वातावरण है। मार्केट में महामुनि ने हमें समाज में किस प्रकार से हमारे इतिहास में हमने देखा है कि जब जब हमारा भारत देश, हमारा हिंदुस्तान आपत्ति में आया, तब तब महामुनि मार्केट में इस देश को दिशा दी और देश को बचाने का काम मार्केट में महामुनि ने किया। और इस देश के सौभाग्यशाली इतिहास में पद्मशाली समाज का इतिहास ये संघर्ष का है। हमारे समाज में इतिहास में बहुत दिया है। इस भारत देश को बचाने के लिए जब जब आपत्ति है तब तक बड़ा काम किया है। हमारा समाज थोड़ा आर्थिक दुर्बल है बट स्वाभिमानी डूबकर काम करने वाला नहीं है। मेहनत करेंगे लेकिन ईमानदार से करेंगे, हम स्वाभिमान नहीं छोड़ेंगे। मार्केट ने महामुनि ने ही कहा। वैसे इस समाज के रामकृष्ण जी, भास्कर जी, मिट्टी जी, हमारे सागर जी और सभी समाज के सारे हमारे प्रतिनिधि जिन्हें ने मुझे बड़ा स्वागत किया, सम्मान किया। मैंने संतोष जी और महेश चौगले जी को बोला था जो समाज सरकार से कुछ चाहता है, समाज में सरकार की प्रेजेंस की जरूरत है, तो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने की बातें मेरी भी जवाबदारी बनती है कि समाज की समस्याओं को लेकर सरकार से कुछ बात करो। जब सरकारी पार्टी में उठते हैं तो सरकारी पार्टी का अध्यक्ष भी जवाबदारी होती है कि समाज की जो रचना है, समाज की जो प्रश्न है वो तो सरकार के उस दायित्व को पहुंचाना जा रहा है, सरकार का आपसे नहीं पहुंच पाता है। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि जिन समस्याओं को लेकर रामकृष्ण जी ने निवेदन पढ़ा और जो उसके बारे में 36 का जो हस्तर की मिलनी चाहिए, जब मैं मंत्री था तब मैंने बहुत प्रयास किया, सब्सिडी देने का प्रयास किया पिछले 5 साल देवेंद्र फडणवीस सरकार में, तब पावर लूम को कभी कोई भी अड़चन नहीं आई।
जो जो पावरफुल सेक्टर में करने का काम देवेंद्र फडणवीस सरकार ने किया, उसके बाद 2.5 साल में थोड़ा क्राइसिस आया, लेकिन अब जिस प्रकार से नई सरकार बनी है देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे जी की, ये सरकार बहुत सुपर फास्ट है, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। और दोनों पहले ऐसा काम था, जब मैं मंत्री था पावर और एक्सचेंज मिनिस्टर था, आप 2014 की अगर बात करेंगे तो महेश जी बताया कि मेरे साथ विधायक थे, मैं मंत्री था, महेश जी बार बार आते थे। 2014 को अगर वापस जाते हैं तो 2014 की स्थिति थी कि भिवंडी में सबसे ज्यादा तकलीफ क्या है, भिवंडी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, तो बिजली का प्रॉब्लम। लेकिन 2014 से 2019 में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में जो काम किया, आज मैं कह सकता हूं थोड़ा बिजली का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बट पावर लूम की सब्सिडी को लेकर क्राइसिस आ गया, पावर लूम को जिंदा करने के लिए, पावर लूम को चालू रखने के लिए बहुत अड़चने आ रही है। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से बात करके, और हो सकता है तो निश्चित रूप से मैं समाज के सारे प्रतिनिधियों को बुलाकर जो समाज की समस्या है, 10 से 12 समस्या यहाँ पड़ी गई, उस समस्याओं को लेकर एक बैठक हमारे समाज के प्रतिनिधि के साथ सरकार की हो जाए, ये निश्चित रूप से प्रयास करने की मेरी जवाबदारी है। और मैं ये प्रयास निश्चित रूप से होगा। हमारे विजय चौधरी जी इस विषय को लेकर महाराष्ट्र में सामाजिक स्तर के हमारे सारे प्रश्नों को लेकर काम कर रहे हैं। मैं विजय चौधरी को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस समाज के जो भी प्रश्न आते हैं वो सारे प्रश्नों को लेकर, अब तक मैं 12 अगस्त जब से मैं प्रदेश का अध्यक्ष बना हूँ, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित भाई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने, देवेंद्र जी, चंद्रकांत दादा जी और सारे लोगों ने मेरा चयन किया। नितिन गडकरी जी, मैं नागपुर से आता हूँ, देवेंद्र जी और नितिन जी के साथ 30 साल से काम करता हूँ। तो निश्चित रूप से 12 अगस्त से मैं अभी तक 35 से 40 समाज की बैठकें ले चुका हूँ, अलग अलग समाज, और आज ब्रह्मचारी समाज का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे सौभाग्य मिला आपके बीच में आने का, महामूल मार्केट का दर्शन करने। और मैं ये भी चाहता हूँ कि जब समाज का वार्षिक बड़ा कार्यक्रम रहेगा तब मैं हमारे समाज के रामकृष्ण जी, भास्कर जी और सभी को, ईश्वर जी सभी को विनती करूंगा, उस कार्यक्रम में भी निश्चित आऊंगा जब समाज का बड़ा कार्यक्रम रहेगा। क्योंकि हम समाज में जो जाते हैं, आज हम वोटों की बात नहीं करते, हमारे प्रधानमंत्री, अपने प्रधानमंत्री, आप सभी के प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री, विश्व गौरव युग पुरुष ऋषि तुल्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 21वीं सदी का भारत कैसा होगा इसकी रचना की है, आज उस रचना का भाग है कि हमारे देश को, हमारे प्रधानमंत्री को 150 देशों के प्रधानमंत्री ने नेता माना है। आज हमने देखा है कि 2 साल पहले हमारे रास्ते बनते, हमारे दरवाजे बनते, हमारे परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, हमारे समाज का क्या होगा, चिंता थी, ऐसी महामारी हमारे बीच में आई, सारा बर्बाद कर चुकी थी, पूरे विश्व में बर्बादी का आलम था। और ऐसे में कल क्या होगा हमारे परिवार का, हमारे बच्चों का, ये चिंता थी। ऐसे में हमने जिनको वोट दिया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, देश के सारे साइंटिस्ट को बुलाकर उन्होंने ये देखा, अभी तक की जितनी भी महामारी हमारे देश में आई, कभी भी प्लेग आया, बहुत महामारी आई देश में इतिहास में, हमें विदेश ने समर्थन दिया, हमें विदेश ने मदद की, बाहर देशों ने मदद की, तब हमारा देश बचा। लेकिन हम गौरवशाली मान सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे देश के सारे साइंटिस्ट को बुलाकर कोरोना के संक्रमण में हमारे परिवारों की जान बचाना, तुम्हारे हमारे की जान बचाने के लिए हमारे देश की खुद की वैक्सीन बनाकर 200 करोड़ वैक्सीन 130 भारतीयों को देकर आज हमको सुरक्षित किया है,
अभी भी अस्सी के चर्चे है, अभी भी अस्सी के चर्चे है विश्व में कोरोना के संक्रमण से जूझ रहे। और कल डॉक्टर भारती पवार कह रही थी हमारी आरोग्य मंत्री, 80 देश अभी भी मोदी जी को कोरोना की वैक्सीन मांग रहे हैं, हमारे देश को बचाइए। तो ऐसे प्रधानमंत्री जो हमारे देश को बचाने वाले, आप सबको बचाने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमें आगे जाना है। आज मैं इतना ही कहूंगा कि मार्कंडेय महामुनि जी का जो सेवा हमें मिला है, जो विज्ञान मिला है, जो संस्कार मिले हैं, जो विरासत मिली है, इसको हमारे ब्लड में उतार कर आगे की पीढ़ी, आने वाली हमारी पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, जो नई शिक्षा नीति मोदी जी ने लाई है, उस शिक्षा नीति से आगे लेकर जाना है। नई शिक्षा नीति में मार्कंडेय महामुनि का संस्कार और उच्च शिक्षा नीति जो हम पढ़ेंगे वो हम प्रेजेंट कर पाएंगे। आज हमारे पास शिक्षा तो है लेकिन प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है, जो नई शिक्षा नीति के माध्यम से बनने जा रही है, केजी टू पीजी, केजी टू पीजी तक माननीय मोदी जी ने जो नई शिक्षा नीति अपनाई है, आने वाली पीढ़ी के लिए, ये जो हमारा मजबूत भारत निर्माण करना है इसके लिए, तो ये महामुनि मार्कंडेय का संस्कार भी लेकर आएगी, हमारे परिवार के संस्कारों से मजबूत रखेगी, आने वाली पीढ़ी इतिहास और विरासत लेकर आएगी और उच्च शिक्षा लेकर आएगी, जो देश के कहीं भी कोने में गए, पूरे विश्व में कहीं भी कोने में गए, पद्मशाली समाज के वाली पीढ़ी, आने वाला युवा युवती, तो वहां जाकर जय हिंद जय करके आएंगे। ये विषय को लेकर हमें सबको काम करना है, आने वाले हमारे समाज के नई पीढ़ी को उच्च शिक्षित बनाना है। 2035 में अगर कोई कहेगा, कोई भी कहेगा कि पद्मशाली समाज में सबसे अमीर घर कौन सा होगा, अमीर घर तो 100 एकड़ जमीनों की वो अमीर होगा, 10-12 बंगले गाड़ी घोड़ा वो अमीर होगा, नहीं होगा। 2035 में पद्मशाली समाज में वो घर मजबूत होगा जिसके घर में सबसे पढ़ा हुआ बच्चा बच्ची मिलेगी, वही घर मजबूत। जय मार्कंडेय, यही हमारे मार्कंडेय ऋषि मुनि कहते हैं, यही हमारी विद्या कहती है, यही हमारा संस्कार कहता है। तो मैं इतना ही कहूंगा, हमारी आने वाली पीढ़ी को मजबूत बना रहा है, तो नई शिक्षा नीति के हिसाब से आगे लेके जाना है, उच्च शिक्षित करना है, और समाज के प्रश्नों को लेकर मैं निश्चित रूप से यही वादा करता हूँ, मेरी जो भी क्षमता मुझे मिली है मार्कंडेय महामुनि के आशीर्वाद से, उस क्षमता का वापस करके ये दोनों कागज, दोनों निवेदन पढ़े गए वो निवेदन, और जो दोनों निवेदन को लेकर एक एक चीज को विजय चौधरी जी सुलझाने का प्रयास करेंगे, मैं उनके साथ निश्चित रूप से सरकार से डीसीएम और सीएम साहब से बात करके आपके विषय को मजबूत करने का मैं प्रयास करूंगा, उसको आगे लेके जाने का प्रयास करूंगा, यही वादा फिर करता हूँ। और मार्कंडेय महामुनि से विनती करता हूँ कि आप सबको 100 साल की उम्र मिले, आप सबका जीवन मंगलमय रहे, समाज को मजबूत बनाए और हमारे समाज को ऊंचाई मिले, पूरे देश में पद्मशाली समाज का नाम रोशन हो, यही विनती मैं पद्मशाली समाज की ओर से महामुनि मार्कंडेय करता हूँ।